हम अधिकतर इंग्लिश की स्पेलिंग लिखने में सोचते हैं कहीं ये सही है कि गलत है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश की वजह से होता है, क्योंकि कुछ स्पेलिंग्स अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में अलग अलग लिखी जाती हैं। जैसे आप कलर की स्पेलिंग देख लीजिए, तो इससे प्रोनंसिएशन भी चेंज हो जाता है थोड़ा। इसको लिखें कलर और इसको कलर, तो यहाँ पर ओ आर है, इसमें ओ यू आर है। डायलॉग की स्पेलिंग में, डायलॉग की स्पेलिंग में एल ओ जी है, यहाँ पर ओ जी यू ई है। और अमेरिकन में डबल एल नहीं लगाया इन्होंने ट्रैवलर की स्पेलिंग में, और यहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश में डबल एल होता है। और ज्वेलरी की स्पेलिंग में लास्ट में एल आर वाई होता है, और ब्रिटिश इंग्लिश में डबल एल ई आर वाई होता है। इसी तरीके से आपकी सेंटर की स्पेलिंग, मीटर की स्पेलिंग, टायर की स्पेलिंग, इस तरह की सभी बहुत सारी स्पेलिंग्स होती हैं जो अमेरिकन इंग्लिश में अलग होती हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में अलग होती हैं। और हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश लिखते हैं, लेकिन पहले हम ब्रिटिश इंग्लिश लिखा करते थे, लेकिन अभी ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों इंग्लिश स्पेलिंग्स लिखते हैं, तो इसकी वजह से क्या है, हम थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसी तरह आप स्पेलिंग की जो मिस्टेक्स हैं, अगर उनसे बचना है तो आपको उनको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा।